अरे दीदी, ये कौन है? आप किसको लेकर आई हो? तुम्हें दिख नहीं रहा एक बच्ची है ये? वही मैं पूछ रही हूँ, किसकी बच्ची लेकर आई हो आप? ये मुझे नदी के किनारे पड़ी हुई मिली। क्या? नदी से किनारे पड़ी हुई मिली और आप ले आए? हाँ तो अरे किसकी बच्ची होगी, वो ढूंढ रहे होंगे। नहीं ढूंढ रहे, छोड़ के चले गए इसके माँ बाप इसे नदी के किनारे। मैंने बहुत आवाज लगाई लेकिन कोई नहीं था वहां दूर दूर तक। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला देर से ही सही लेकिन देता जरूर है। मैंने उनसे मांगा था बच्चा, मुझे दे दिया उन्होंने। बहुत अच्छा है ऊपर वाला, बच्ची तो बहुत प्यारी है। आपकी तो किस्मत खुल गई दीदी। हाँ चलो मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे मेरे बच्चा, ये देखो तेरा घर आ गया। तू यहाँ लेट जा, मैं तेरे लिए दूध लाती हूँ। हम तीनों को माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ माफ कर दीजिए ना, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज माफ कर दीजिए ना हमें। तुम लोगों का अंदाजा नहीं है तुमने क्या चीज खोई है। अगर तुम्हें अंदाजा होता ना कि वो एक्चुअली है क्या, तो तुम उसे शिद्दत से चाहने की कोशिश करते। तुम्हें अभी उसे उसकी पावर्स का नहीं पता, वो क्या कर सकती है। हम आपके पूरी मेहनत करेंगे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए ना। हाँ मैं आपकी पूरी मेहनत करूँगा, मैं उस बच्ची को जरूर ढूंढ कर निकालूंगा। एक चांस और दे दीजिए प्लीज, एक चांस और दीजिए। मैंने तुम्हें एक चांस और दे दिया ना, तो तुम उस बच्ची को मेरे हाथ से निकाल दोगे, जो कि बहुत दूर ले जा चुके हो तुम। लेकिन मैं उसे खुद ढूंढूंगी, खुद ढूंढूंगी मैं। हाँ तुमने मेरे काम में अगर टांग अड़ाई तो मैं अभी तो तुम्हें छोड़ ली, लेकिन मैं देखूंगी नहीं, मैं जिंदा जला दूंगी तीनों को। आई बात समझ तुम्हें? आ गई। ठीक है हम चलते हैं। मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे देखना होगा वो है कहाँ। अरे मुझे इतना धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है, वो है कहाँ? मुझे दिख रही है, मुझे जल्दी ही ढूंढ पाऊंगी। नाम मैंने रखा है रोज, तो बिल्कुल गुलाब के फूल जैसी है ना मेरी बच्ची, तेरा नाम रोज है आज से। आपको एक बात पता है दीदी, आपकी जो बेटी है ना वो बहुत मतलब वो अलग ही है। बोल रही हो तुम? मैं दीदी जब वो मेरी बेटे के साथ खेल रही थी ना, तो क्या, तो उसके पास एक सांप आया जो कि उसे डसने ही वाला था। लेकिन क्या हुआ, क्या उसे डसा तो नहीं? मेरी बच्ची कितने डस लिया? अरे नहीं, ऐसा लग रहा था जब वो सांप आया मेरे बच्चे के पास तो आपकी बच्ची ने, मेरी बच्ची ने क्या बताओ जल्दी? आपकी बच्ची की आंखें अलग हो गई और वो सांप जो था आपकी बच्ची को मतलब ऐसे लग रहा था कि सलाम कर रहा हो। ये क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी पता था दीदी, आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगी। जिस दिन अपनी आंखों से देखोगी ना, उस दिन आपको विश्वास होगा कि आपकी बच्ची एक्चुअली में है क्या। ठीक है मैं चलती हूँ, टाइम हो गया। लेकिन वो बच्ची मुझे कहीं नहीं मिल रही। पहले तो मुझे उसकी छवि दिख रही थी लेकिन अब वो भी नहीं दिख रही। कहीं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपना को छुपाना तो नहीं चाह रही? वो मुझे नहीं मिली ना तो पता नहीं वो मेरा क्या करेंगे। मैं क्या करूं, मुझे मिल नहीं रही हूँ। जल्दी करो, मैं लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए। टाई मम्मा, यार आप हर रोज लेट करते हो मुझे जाने के लिए। आ गई, तेरी नज़र उतारनी थी बस मुझे। नज़र उतार के भेजते हो मेरी सारी फ्रेंड्स पहुँच जाती है कॉलेज में। मना क्या, इतने दोस्त मत बनाया कर। तू क्यों आती इतनी दोस्त? क्यों पापा, मेरी खुद की लाइफ नहीं है क्या? मैं दोस्त नहीं बनाऊँ? दोस्त नहीं काम आते मुसीबत में, तेरा खुद का परिवार काम आता है। तेरी माँ हूँ, तेरे भले के लिए ही कहूँगी। नहीं माँ मुझे अब नहीं सुनना, मेरे को दोस्त बनाना है तो बनाना है। सबके दोस्त होते हैं, मेरे भी रहेंगे। ठीक है बाय।
तू क्यों नहीं समझती बेटा, तू क्यों नहीं समझती, तू और जैसी नहीं है हम इंसान। तू पता नहीं क्या है तेरे अंदर, अजीब शक्ति है। अगर तुझे पता चल गया ना, या तेरे दोस्तों को पता चल गया, और इस दुनिया वालों को पता चल गया ना, तो तुझे जीना नहीं देंगे बेटा। तू कब समझेगी ये बात। हेलो गाइस, आई होप आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड वॉच नहीं किया है तो मैंने इसका लिंक कमेंट में पिन कर दिया, आप जाके देख लो। बाय बाय।